भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले को भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। शानदार सफलता के बाद बीसीसीआई ने जहां इनामों की बारिश कर दी, वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी टीम को बधाई दी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जेसन सांगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 47 ओवर और 2 गेंदों में ही 216 रन बनाकर आउट हो गई। 217 रन की चुनौती का पीछा करते हुए भारत ने 38 ओवर और 5 गेंदों में सिर्फ 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य को पार कर लिया। फाइनल मुकाबले में मनजोत कालरा ने शानदार शतक ठोका। मनजोत ने 102 गेंदों में 8 चौकों और 3 दमदार छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। उधर बीसीसीआई ने ट्वीट कर जीत की बधाई देते हुए टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 30-30 लाख रुपए इनाम के रूप में देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को 50 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है।